ट्रेंड बना यहाँ पे एमसी सैन को हिट करते। पब्लिक ने झाड़ा मेरे को एक लड़की को डेट करते, वो लड़की पूछी मेरे को कैसे तुम सब फेस करते। तो गाइज इंस्टाग्राम पे जो है एम सी स्टैन की म्यूजिक लिरिक्स की जो वीडियोज़ है बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। तो गाइज मैंने सोचा क्यों ना आप सभी को भी इसके बारे में बता दिया जाए, और ऐसे इस तरीके टेक्स्ट जो है आप कैसे एडिट कर सकते हो, मतलब किसी भी म्यूज़िक का जो टेक्स्ट आप लिख के जो है मतलब आपकी वीडियो में कैसे ऐड कर सकते हो, और ये गाइज आप किसी भी गाने में आप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बाकी चलिए गाइज वीडियो को जो है हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले गाइज ये करने के लिए आपको यहाँ पे VN एप्लीकेशन है, यहाँ पे कैपकट ऐप का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो आप हम कैपकट ऐप को सिंपली ओपन कर लेते हैं, एंड ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, जैसे आप इसको ओपन करोगे तो गाइस आपको यहाँ पे जो एक प्लेन कलर का जो मतलब प्लेन बैकग्राउंड आपको ऐड करना है, जो कि आपको यहाँ पे इस कैपकट ऐप में ही मिल जाएगा। तो न्यू प्रोजेक्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे आपको स्टॉक वीडियोज़ के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड जो है फ्री मिल जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। तो हमें प्लेन वाला ब्लैक बैकग्राउंड ऐड करना है, फिर ऐड के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। एंड इतना हो जाने के बाद आप सभी को जो भी म्यूज़िक का जो मतलब लिरिक्स चाहिए गाइस आपको सिंपली उस म्यूज़िक को पहले ऐड कर लेना है यहाँ पे। तो मैं ऐड म्यूज़िक पे क्लिक करके यहाँ से जो उस वीडियो का मैं म्यूज़िक ले लूँगा यहाँ पे, सिंपली मैं ऐड पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे जो इसका म्यूज़िक ऐड हो गया यहाँ पे। अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको करना है क्या, गाइस देखिए यहाँ पे जो है मतलब कि म्यूज़िक जो है उसके हिसाब से आपको जो लेंथ इसकी बढ़ा लेनी है, मतलब आपका जो बैकग्राउंड है इसका लेंथ आपको बढ़ा लेना है जितना आपको म्यूज़िक चाहिए। फिर उसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए आपको करना है क्या, गाइस देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब देखिए गाइस यहाँ पे आपका जो म्यूज़िक है जहाँ से शुरू हो रहा है गाइस आपको पहले उस लाइन को जो है ध्यान से सुनना है। एंड गाइस यहाँ पे जो है आपको वर्ड्स को मतलब कि एक एक दो दो वर्ड्स को यहाँ पे ऐड करना है पहले, ठीक है। तो आपको टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली जो वर्ड यहाँ पे स्टार्टिंग में बोला गया है आपको सिंपली इसको टाइप कर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे ट्रेंड वर्ड बोला गया तो मैं आप सिंपली इसको टाइप करूँगा यहाँ पे, एंड इसको टाइप करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप से छोड़ दूंगा, ठीक है गाइस। तो टेक्स्ट और फॉन्ट वगैरह जो है गाइस वो मैं बाद में लगाऊंगा, या हो सकता है कि मैं ना भी लगाऊं, क्योंकि गाइस वीडियो जो ज़्यादा बड़ी ना होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का जो यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको जो मेन चीज़ है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो पहले जो हम इसका लेंथ उतना रखेंगे जितना वो वर्ड बोला गया है जितनी दूरी पे, ठीक है। तो हम लेंथ भी उतने ही रखेंगे, तो यहाँ पे मैं इतना रख लेता हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं इसका डुप्लीकेट करके यहाँ पे गाइस यहाँ पे भी ऐड करूँगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड बोला गया है वो मैं ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैं अभी जो फिलहाल यहाँ पे इस वाले में अलग से ऐड करूँगा। तो पहले क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर ट्रेंड वाला जो वर्ड बोला गया है, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में सुना होगा म्यूज़िक, तो उसमें भी ट्रेंड करके हम सिस्टम ने को जैसे वर्ड बोला, तो गाइस यहाँ पे हम पहले ट्रेंड को टाइप कर लेते हैं। देन यहाँ पे गाइस देखिए यहाँ पे ट्रेंड जो है यहाँ पे थोड़ा सा मतलब ट्रेंड के आगे भी है कुछ, तो यहाँ पे ट्रेंड बनाया ऐसे करके एक लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको टाइप कर लेंगे एंड यहाँ पे जो स्पेस वगैरह आ गया है, ठीक है। तो इसको जो है हम यहाँ पे पहले रिमूव कर लेते हैं स्पेस को, तो यहाँ से हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे परफेक्ट है, तो अभी हम इसको यहाँ पे ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ तक अब इतना हो गया, अब हम जो है आगे का म्यूज़िक सुनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे का म्यूज़िक में क्या वर्ड आ रहा है फिर उसको ऐड करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ यहाँ पे परफेक्ट है ये वाला म्यूज़िक। तो यहाँ से जो है ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो वर्ड बोला गया हम उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे यहाँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये ट्रेंड बनाया यहाँ पे ऐसे करके एक वर्ड है, ठीक है, ये वाली लाइन। तो ये ऐड करते हैं हम, उसको थोड़ा सा आगे के साइड रख लेते हैं। तो ऐसे मैं इसको प्ले करूँगा एंड यहाँ पे परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो जाने के बाद, तो यहाँ तक इतना बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, इसको जो है जहाँ तक ये बोला गया वहाँ तक हम इसको ट्रिम कर लेंगे, बाकी का जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उनको हम डिलीट कर देंगे गाइस, ठीक है। क्योंकि क्या है कि गाइस यहाँ पे ज़्यादा पार्ट को जो है मतलब गाने को जो आप ध्यान से सुनते रहना और सुन सुन के जो है आपको वहाँ पे पार्ट वहाँ वहाँ तक रखना है, ठीक है। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट होंगे जो भी होगा उनको आपको डिलीट कर देना और नीचे इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इतना हो गया। अब गाइस आगे का वर्ड क्या बोला हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो नेक्स्ट वर्ड बोला गया वो है एमसी स्टैन, ठीक है। तो गाइस ये जब चीज़ ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़्यादा लंबी खींचेंगी गाइस, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि आपको करना क्या है। तो गाइस यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब गाइस देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे इतना हो जाने के बाद आप लोगों को जो है फिर इसका जो भी एक्स्ट्रा पार्ट होंगे जो भी मतलब कि यहाँ पे जो भी आपको नहीं चाहिए उनको आपको सिंपली यहाँ पे ट्रिम कर देना है। अब गाइस यहाँ पे मैंने पूरे गाने का मतलब कि लिरिक्स नहीं बनाया, क्योंकि अगर मैं पूरे गाने का बनाऊंगा तो यार वीडियो पता है बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे भी इसको शॉर्ट करके बनाया गया, ठीक है। तो अभी जो हम इस वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। अब गाइस वीडियो जब तक एक्सपोर्ट हो रही है आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग के लिए इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो आती रहती है इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब गाइस ये वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद आपको करना क्या है, जो वीडियो आपने एक्सपोर्ट करी उसको वापस से आपको कैपकट ऐप में इंपोर्ट कर देना है। देन उसके बाद गाइस यहाँ पे जो आपको अपनी वीडियो को जूम करना है, ठीक है, डबल फिंगर से टैप करके। अब गाइस देखिए यहाँ पे करना क्या है, आपको जैसे ही आपका वर्ड खत्म होगा आपको वीडियो को वहाँ वहाँ से ट्रिम कर देना है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, जैसे गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप ट्रेंड की जो स्पेलिंग वो थोड़ा ना मतलब ऑटो करेक्ट से गलत हो गई है,
तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ गाइस। ठीक है, तो उसको इग्नोर करना, अभी जो हमारा मेन चीज़ है हम उस पर ध्यान देते हैं। तो जैसे गाइस देखिए, हमारा जो वर्ड है वो यहाँ से शुरू होके और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है गाइस। तो यहाँ से हम इसको जो है ट्रिम कर देंगे। ठीक है गाइस, कि ये ट्रिम का इसलिए करना है क्योंकि अभी हम इस पर इफेक्ट वगैरह भी ऐड करेंगे, तो इसलिए हम इसे ट्रिम कर रहे हैं यहाँ से। तो इसको हम यहाँ से स्प्लिट कर देते हैं। तो गाइस इस चीज़ में भी जो है टाइम ज़्यादा लेगा, तो गाइस इसको जो है हम फटाफट करते हैं। तो गाइस जहाँ तक हमारा काम हो चुका है, अब गाइस देखिए जो भी हमारा, अब क्या करना है, आप एनिमेशन के ऊपर हमें क्लिक करना है। एनिमेशन के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पे आपको करना है क्या, उसके बाद तो एनिमेशन पे क्लिक कब करना, पहले आपको लेयर को सिलेक्ट करना है, फिर एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। एनिमेशन पे क्लिक कर देने के बाद आपको कॉम्बो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको येलो वाला जो फर्स्ट वाला, आपको सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक कर देना है। सो ये पेंडुलम वन वाला जो आपको पहले यूज़ करना है, एंड फिर उसके बाद आपको सेकंड वीडियो सेकंड लेयर के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही आप सेकंड लेयर के ऊपर क्लिक करोगे तो वो, मतलब पहले इसमें जूम कर लेता हूँ, सेकंड लेयर के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे दोबारा आपको एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं ऐसे इसको सिलेक्ट करता हूँ, एनिमेशन पे जाऊँगा, एंड कॉम्बो के ऊपर क्लिक करके हम जो है पेंडुलम टू को यूज़ करेंगे यहाँ पे गाइस। ठीक है, तो अब आपको बस यही चीज़ करनी है आपको सीरियल वाइज। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, पूरी लेयर्स में। सो बस फाइनली हमारी जो वीडियो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आता है और वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गए मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।